गूगल पर हामिद मीर को सर्च करें तो आता है हामिद मीर सैलरी, आज आप बता देंगे? अच्छा आपको नहीं पता? नहीं? अभी उसमें थोड़े दिन पहले 20% कट लगी है, उसके बाद फिर डॉलर महंगा हो गया तो 50% कट तो वैसे ही हो चुका है, 30% डिवैल्यूएशन, 20% कट वैसे, ठीक है। जिस किसी को भी शौक है तो FBR की वेबसाइट पे जाए, वो डिक्शनरी छापते हैं हर साल टैक्स पेयर्स की। तो मैं अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है और सनतकार हैं उनसे ज्यादा टैक्स देता हूँ, और मेरा नाम जो है वो मेरी वल्दियत के साथ वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कितना टैक्स देता हूँ। और अगर आप, मुझे पता है कि आप भी बहुत से सियासतदानों से ज्यादा टैक्स देते हैं। सरफराज प्राइम मिनिस्टर बनेगा? उफ, मैं इसकी तरदीद करने से कासिर हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता तो आप किधर थे? ओए होए होए होए, मैं तो जनाब पागल था, और आपको पता नहीं है कि मैंने कितनी दुआएं मांगी, और इमरान खान साहब जो हैं उससे पहले एक दफा रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, तो मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इमरान खान से वो रिटायरमेंट वापस करवाई थी, और बड़ी लड़ाई की थी, खान साहब नहीं आप वापस आए ये वो। खान साहब उस वक्त तक अपना शौकत खानम का प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके थे, तो हमारा यही ख्याल था कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बस वर्ल्ड कप जीत जाए उसके बाद हम इसके साथ मिलकर शौकत खानम हॉस्पिटल बनाएंगे, और बस उसके बाद ये जो है ना एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम कर, सानू की पता सी उन्हें प्राइम मिनिस्टर बन जाना है तो साढ़े से पाबंदियां ला देनी। चलिए मीर साहब थैंक यू सो मच, आपके प्रोग्राम शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर।